विराट कोहली कप्तानी में आरसीबी टीम का खिताब जीतने का सपना सपना ही रह गया, क्योंकि बीती रात हुए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर ने एलिमिनेटर मुकाबले में आरसीबी को करारी हार का सामना कराया, जहां ऑलराउंडर प्रदर्शन दिखाकर सुनील नारायण ने सबका दिल जीता और मैच भी। आपको बता दें, इस हार के बाद सही लोग सोशल मीडिया पर आरसीबी को ट्रोल कर रहे थे। ग्लेन मैक्सवेल से ये देखा नहीं गया और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक लंबा चौड़ा मैसेज शेयर कर ट्रोल करने वालों को मुंह तोड़ जवाब और साथ देने वाले फैंस को शुक्रिया अदा किया। मैक्सवेल ने सीजन बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। मैक्सवेल ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि आरसीबी के लिए यह सीजन अच्छा रहा, हम वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां पहुंचना था, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं कि हमारे लिए आईपीएल अच्छा नहीं रहा। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर लोग टीम को लेकर बेकार की बातें कर रहे हैं जो शर्मनाक है। उन लोगों को भी ये समझना चाहिए कि हम भी इंसान हैं जो हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। ऐसे में उन लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल करने के बजाय बेहतर इंसान बने और सपोर्ट करते रहें। आप सभी को बता दें, मैक्सवेल ने ट्रोल करने वाले की क्लास लगाई। इस ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने आगे लिखा कि आरसीबी के सच्चे फैंस को उनके प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रिया। कुछ ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया को भी डरावनी जगह बनाना चाहते हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उनसे यही गुजारिश करूंगा कि वो इस तरह का बर्ताव यानी कि इस तरह का बिहेव ना करें। अगर आप मेरे किसी साथी खिलाड़ी या दोस्त को सोशल मीडिया पर गालियां देंगे तो आपको सभी लोग ब्लॉक कर देंगे। ऐसे में बेकार की बातें करने का क्या मतलब? वैसे लोगों के लिए माफी की कोई जगह नहीं है, क्योंकि पहले तो वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। अब बात करें मैक्सवेल की, तो मैक्सवेल ने आईपीएल 2021 में 6 अर्धशतक लगाए। आरसीबी के साथ मैक्सवेल के लिए भी आईपीएल 2021 अच्छा रहा। उन्होंने 2014 के बाद से आईपीएल के किसी भी एक सीजन में 500 से ज्यादा रन नहीं बनाए। मैक्सवेल ने इस साल 15 मैचों में 42 से ज्यादा औसत के साथ 513 रन बनाए। उन्होंने इस सीजन में अपने 6 अर्धशतक लगाए, 21 छक्के लगाए, वो 3 विकेट लेने में भी सफल रहे। यानी कि मैक्सवेल के नजरिए से यह सीजन बहुत शानदार रहा, लेकिन कप्तान कोहली की कप्तानी में आरसीबी का खिताब जीतने का सपना सपना ही रह गया। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।